चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जैसे होम ट्यूशन का है तो ये मैं दिखा रही हूँ कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्या करें, शुरू में क्या सिखाना चाहिए। तो अभी जैसे वो मेरे पास थर्ड क्लास का बच्चा है, LKG का बच्चा है, तो मैं उस हिसाब से सिखाती हूँ बच्चों को। तो थर्ड क्लास को मतलब अभी ज़्यादा कुछ उसको आ नहीं रहा है, तो ये मैं उसको कर्विंग लाइन सिखाई हूँ। वो सब कर्व्स, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स और एक को सिंपल अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर दे रही हूँ। तो यही सब आइए मैं दिखाती हूँ कैसा है, कैसे लिख रहे हैं बच्चे, क्या है। ये थर्ड क्लास का बच्चा है, तो अपना पढ़ाई कर लिए, तो कलर के लिए थोड़ा तैयारी कर रहे हैं, कलर की एक्टिविटी भी कराती हूँ मैं साथ साथ। ये एक थर्ड क्लास है, एक LKG की है और एक नर्सरी का, तीन बच्चे अभी फ़िलहाल आ रहे हैं। तो मैं सबको कर्व्स, लेटर वाला सिखाती हूँ, अल्फ़ाबेट्स। ये अच्छे से भी जाना है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस करेगा अच्छे से आ जाएगा। तो अभी ऐसे इसका है, ये थर्ड क्लास के बच्चे ने लिखा है तो थोड़ा सही है। तो अभी मैं इसको होमवर्क दी हूँ, ये EF तक का होमवर्क दी हूँ थोड़ा, और ये LKG के बच्चे के हैं, तो उसको मैं ABCD लिखने को दी हूँ। तो ऐसे ये लिखा है, तो ये भी अपना रिवाइज कर रही है, थोड़ा थोड़ा लिखना सीख रही है। तो ये भी ठीक ही ठाक लिखी है, ऐसे सी है, ये सी बनाई है इधर। तो LKG के बच्चे ने ये लिखा है, तो ऐसे ही पढ़ाना चाहिए बच्चों को, एक एक लेटर्स देने चाहिए। तो अभी मैं यही बताना चाह रही हूँ कि शुरू में बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए उनको। अभी वैसे भी अभी छुट्टियों का टाइम चल रहा है, मई जून चल रहा है, तो मई में अभी छुट्टी चल रही है। तो धीरे धीरे जब बच्चा जान नहीं रहा है तो उसको हम धीरे धीरे सिखाएंगे। तो अभी वो जानता नहीं है अल्फ़ाबेट्स, कर्विंग लेटर्स, ये सब नहीं जान रहा है, तो वही मैं बता रही हूँ। और टेबल वेबल वगैरह नहीं जानता, 2-4 तक जान रहा है, तो मैं यही उसको सिखाऊँगी। और बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, डेली मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी। बच्चों का ही मैं चैनल बनाई हूँ, तो इस पर बच्चों की पढ़ाई का डालती हूँ। तो ऐसे है, तो ये सब कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, किस क्लास का बच्चों को क्या पढ़ाऊँ, क्या सिखाऊँ, क्या सिखाना ज़रूरी है। तो अभी ये बच्चा कुछ जान नहीं रहा है, तो ऐसे ही मैं बताऊँगी उसको, धीरे धीरे वो सीखेगा। और एक नर्सरी का है तो उसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, उसको तो पेन पकड़ के बताना पड़ता है, तो उसको मैं ज़्यादा टाइम लगता है, उसको मुझे ज़्यादा ध्यान देना भी पड़ता है, तो देना भी पड़ेगा। छोटा बच्चा है, अभी पेन पकड़ना है, नर्सरी क्लास का है। तो अगर किसी को होम ट्यूशन शुरू करना है तो वो भी मैं बताऊंगी कैसे क्या शुरू करना है, पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, बच्चे से क्या क्या पूछना है, उस हिसाब से। अगर किसी को जानना होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछे, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, इस पर नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगी। और फीस कितना चार्ज करते हैं, किस क्लास का कितना है, कौन से एरिया में पढ़ा रही हूँ, ये सभी मैं ज़रूर बताऊँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हम वीडियो बना के बताएंगे ज़रूर कैसे क्या करना है, कैसे हम ट्यूशन शुरू करें अगर शुरू करना चाहते हैं तो बच्चों का। अभी मैं शुरू की हूँ तो उस बारे में मैं भी बता दूँगी, और फीस कितना चार्ज करना है, किस एरिया में कैसे होता है ये मैं बताऊँगी, किस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से लेवल में, किस स्टेज में, तो कैसे पढ़ाना चाहिए उसके बारे में भी बताऊँगी। अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएँगे। और डेली हम ऐसे ही बच्चों का व्लॉग्स बनाते रहते हैं, बच्चों के वीडियो बनाते रहते हैं, लर्निंग्स वीडियो हैं। और ये जो होम ट्यूशन का है तो होम ट्यूशन के बारे में ही जानकारी दूंगी और बच्चों को पढ़ाने के बारे में ही बताऊंगी। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू, ओके, बाय बाय।